फरार हुए हुए, मगर अब तक पुलिस के हाथ कामयाबी नहीं लग पाई है। वहीं मामला ब्यावर का, जहां पर श्री सीमेंट के मुख्य गेट पर कई गोलियां चली। आपको बता दें कि बिच्छू गैंग के मुख्य सरगना पुखराज उर्फ क्वालिस की गोली लगने से मौत हो गई है। आपको बता दें कि बिच्छू गैंग का सरगना हाईवे पर लूटपाट किया करता था। गोली चलाने वाले दो युवक मोटरसाइकिल पर थे। क्वालिस की हत्या के बाद दोनों युवक मौके से फरार हो गए। बदमाश पुखराज की यहां पर गोली लगने से मौत हो गई है। आपको बता दें कि यहां पर श्री सीमेंट के मुख्य गेट पर ये गोलियां चली हैं। दोनों युवक मौके से फरार हो गए गोली मारकर। गोली चलाने वाले दो युवक मोटरसाइकिल पर थे। बिच्छू गैंग का सरगना बताया जा रहा है। हाईवे पर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया करता था। बदमाश पुखराज की यहां पर मौत हो गई है। आपको बता दें गोली लगने से ये मौत हुई है। श्री सीमेंट के मुख्य गेट पर ये गोलियां चली। चलिए, इस पर और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता हेमंत साहू हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी हेमंत, कैसा अपराधी पुखराज बताया जा रहा है और किस तरीके से इसकी हत्या की गई, क्या कुछ जानकारी में हासिल हुआ है? ये कुख्यात बिच्छू गैंग चलाता है। ये बिच्छू गैंग का सरगना था क्वालिसुर पुखराज। ये क्या है कि इसकी किसी से ये चल रही थी अदावत, चल रही थी। इस अदावत के चलते ही रात्रि में दो युवकों ने मोटरसाइकिल बाइक पर आकर इनको गोली मारकर ये फरार हो गए। उसके बाद में यहाँ की पुलिस ने जानकारी के लिए क्वालिस की गोली लगने से यहां पर मौत हो गई है। हत्या के बाद दोनों युवक मौके से फरार हो गए। बाइक सवार दो युवक थे जिसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। वहीं पुलिस पूरे मामले की छानबीन में लगी हुई है। जन